हेलो गाइस, पैरामोटिजमेंट न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे रूसो ब्रदर्स से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल की है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है रूसो ब्रदर की अपकमिंग सुपर हीरो फिल्म जो की रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर। देन उसका टाइटल कन्फर्म हो चुका है, उसकी रिलीजिंग डेट बता चुकी है, उसकी जो कास्ट काम कर सकती है वो भी पता चल चुका है, और देन छोटी सी स्टोरी भी पता चल चुकी है। तो आप सोच रहे होंगे रूसो ब्रदर की जो अपकमिंग पिक्चर आ रही है ये तो हमें पता ही नहीं चला। तो गाइज, इसलिए मैंने ये पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया जिससे कि आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाए। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले आइकन पर बटन दबाएं और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो करें जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट पता चल जाए। और देन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई भी अपडेट पता नहीं चला तो गाइस जाके फॉलो करो, और कोई भी अपडेट अच्छा होगा तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा जैसे कि ये आज का वीडियो। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो रूसो ब्रदर का ये ऑफिशियली अपडेट आया अमर उजाला की तरफ से। उन्होंने क्लियर करा है कि रूसो ब्रदर नेटफ्लिक्स के लिए पिक्चर बनाएंगे और वो उसकी स्टोरी पर भी काम कर रहे हैं। ये देखिए, साफ क्लियर करा है कि स्टोरी पर काम कर रहे हैं। और देन उन्होंने बताया कि 2021 से लेकर 2022 तक ये मूवी रिलीज हो सकती है, और इस मूवी का जो वर्किंग टाइटल है वो है पास्ट नाइट। जी हाँ, अब वर्किंग टाइटल इसीलिए पहले रिवील कर देते हैं जिससे कि ओरिजिनल नाम ना पता चले और जब शूटिंग हो रही हो तो लोग दिक्कत ना करें। जी हाँ, और देन इसकी जो स्टोरी रिवील करी हल्की सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में वो ये है कि जो मिडनाइट सुपर हीरो होता है वो अपने हाथ में कानून ले लेता है। गवर्नमेंट की तरफ से उसे सजा होती है 65 साल की, 65 जी हाँ ईयर्स की, पर वो जल्दी से छूट जाता है। और देन वो अपने पुराने दुश्मनों का बदला लेना चाहता है, उसकी मदद करता है एक पुलिस वाला। तो ये है इसका प्लॉट। और देन उसी के साथ अभी भी कोई भी कलाकार कंफर्म नहीं करा गया है। जी हाँ, स्टोरी पूरी देखिए आप यहाँ से यहाँ तक की बताई गई है, और देन फिल्म में कोई भी किरदार अभी कंफर्म नहीं करा गया है कि कौन इसका किरदार निभाएगा, मिडनाइट का और वो पुलिस वाले का। बट अभी हाल ही में जो फैन कास्ट और जो चर्चा में आ रहे हैं वो है अर्नाल्डो, जो टर्मिनेटर में काम करते हैं, जो कि मिडनाइट का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, और जो पुलिस वाले का कैरेक्टर है वो है क्रिस पाइन, जो कि वंडर वुमन में साथ में काम कर चुके हैं। जी हाँ, यानी कि वंडर वुमन का बॉयफ्रेंड, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो गाइस, ये है वो डिटेल। रूसो ब्रदर इसकी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, स्क्रीन प्ले कर रहे हैं, और देन साथ ही साथ ये रूसो ब्रदर का तीसरा प्रोजेक्ट है। जी हाँ, और ऐसा नहीं कि अमर उजाला पे भी न्यूज़ भी आई है, और भी काफ़ी सारे चैनल्स पे न्यूज़ भी आई है, और इस चैनल पे तो ये भी क्लियर कर दिया है कि रूसो ब्रदर के तीन प्रोजेक्ट हैं नेटफ्लिक्स के साथ। जी हाँ, जिसमें कि द मैजिक, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा एक्शन जिसका पहले वर्किंग टाइटल था ढाका, पर बाद में से बताया गया रियल नेम एक्स्ट्रा एक्शन। तो ये भी मूवी 24 अप्रैल को रिलीज होने वाली है हिंदी में, तो गाइज देखना ज़रूर। तो गाइज, ये थी वो फुल डिटेल। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो फाइनली सबसे पहले अपडेट आ रहा है रेसिडेंट एविल 4 का। तो ये मेरा फेवरेट गेम है और मैंने सोचा कि इसको इंक्लूडिंग करा जाए। करीब 15 बार इसका मैं एंड कर चुका हूँ। तो इसका एक रीमेक वर्जन बनना है, जैसे कि सेकंड पार्ट का और थर्ड पार्ट का भी रीमेक आया था। देन सेकंड अपडेट है जेम्स गन की तरफ से। तो वो उनका कहना है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 डिले हो सकती है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। देन उसी के साथ डे जॉनसन ने भी बोल दिया कि ब्लैक एडम डिले हो सकती है, कोरोना वायरस चल रहा है। देन उसी के साथ सोल भी डिले हो गई है, और ये मूवी अब रिलीज होगी नवंबर के महीने में कोरोना वायरस के चक्कर में। और देन द लास्ट ड्रैगन भी रिलीज होगी मार्च 2021 में क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। और देन स्पाइडरमैन भी डिले हो चुकी है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, पर सोनी कंपनी ने ऑफिशियली कोई रिलीजिंग डेट बताई नहीं है। देन उसी के साथ आपके लिए गुड न्यूज़ है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में आपको हियांडू रिटर्न देखने को मिल सकती हैं, अभी हाल ही में जो अपडेट आया है। उसी के साथ एम्पायर मैगजीन ने वंडर वुमन का ऑफिशियली गोल्डन एल्बम का लुक लॉन्च करा है। और देन गैल और क्रिस पाइन का एक नया लुक आया वंडर वुमन का, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपको ये दोनों ही डाउनलोड करने फुल एचडी में तो आपको मेरे ट्विटर अकाउंट पे मिल जाएगा। उसी के साथ अगर आप हैरी पॉटर यूनिवर्स के फैंस हो तो आपके लिए खुशखबरी है कि रॉन वीजली का जो कैरेक्टर था, फाइनली उनको एक बेबी होने वाला है। जी हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड प्रेगनेंट है और एक्सपेक्ट मे बी सर 2 महीने में उनका बेबी हो जाएगा। तो अगर आप हैरी पॉटर यूनिवर्स के फैन हो तो शायद आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ ब्लैक ऑरेंज जो टीवी सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पर सीजन 1 से लेकर सीजन 7 तक आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी, स्ट्रीम हो चुकी है, जाके देखो अगर घर बैठे हो फ्री टाइम कुछ नया देखना है तो। उसी के साथ कार 4 ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, डिज्नी पिक्सर ने अभी हाल ही में कंफर्म करा है कि इसका 4th पार्ट भी बनेगा। और उसी के साथ एक डिफरेंट अपडेट, तो इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे क्रिस और उन्होंने अपना लुक दिखाया वुल्वरीन वाला, घर बैठे बैठे दाढ़ी मूछ बुन के भर चुकी है, काटने वाला आसपास नहुआ कह सकते हो बार बार है ही नहीं है। तो उनकी दाढ़ी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो उन्होंने इंस्टाग्राम पे लाइव आके दिखाया, तो ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा था। तो गाइस, ये तो वो सारी एक्स्ट्रा अपडेट, और देन रूसो ब्रदर का तो आपको अपडेट पता चल चुका है, और भी अपडेट के लिए मेरे को फॉलो करें जिससे कि आपको सारे अपडेट पता चल जाए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो,
और देन ये अगर आपको ये मेरे डेस्कटॉप का वॉलपेपर डाउनलोड करना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन।